वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन अब आपके मन में सबसे पहले सवाल तो यही आया है कि सर ज्योमेट्रिक मीन क्या है और इससे इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन इससे पहले हम आर्थमेटिक मीन आपने पढ़ाया हमें तो आर्थोमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंसिस है अर्थमेट्रिक मीन के इंपॉर्टेंस तो मैं आपको समझा चुका था कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक पर्टिकुलर डेटा जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे वो हमारा अर्थमेट्रिक मीन होता है वो ऑलरेडी उसके डेफिनेशन में मीनिंग में आप जाएंगे तो आपको क्लास वन में अच्छे से समझ में आ जाएगा अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है सवाल यह है तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कि आपको ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेट्रिक मीन की मैं बात कर लेता हूं देखिए आज की क्लास का टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और आपके मन में एक सवाल अर्थमेटिक मीन के बारे में भी चल रहा है तो उसके ऊपर भी लिख लेते हैं अर्थमेटिक मीन तो बच्चे ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल लेते हैं मेरे पास पे कोई दो ऑब्जर्वेशन है लाइक like, एक ऑब्जर्वेशन टू है और एक ऑब्जर्वेशन एट है यहां पर भी सेम एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन है एक टू है और एक एट है ये दो ऑब्जर्वेशन है तो अगर मैं यहां पर अर्थमेटिक मीन निकालता हूं तो जनरली क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन में हम क्या करेंगे सम जो जो डेटा है उसका सम करेंगे टू प्लस एट ठीक है और मीन्स आपके पास में जो डेटा है लाइक like एक ए है और एक बी है इसका आप सम करोगे कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है टू डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में अर्थमेटिक मीन आ जाएगा आपका तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा आपका आपके पास में टू तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू आपका टेन बाय टू एंड अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू आपका फाइव चलिए अर्थमेटिक मीन जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो बड़ी गहराई से इसके मेरिट डिमेरिट इंपॉर्टेंस हर चीज को हमने पढ़ा था डिस्कस किए थे, बट आज फिर भी जब ज्योमेट्रिक मीन में की बात आई है तो थोड़ा सा मैं आपको अर्थमेटिक में बता हूं। आप ऐसे निकाल मीन बेसिकली क्या है कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे कि सर आपकी क्लास कितनी यंग है तो मेरी क्लास कितनी यंग है तो मेरे पास में उजेंड स्टूडेंट है अब पांच हजार बच्चों के बारे में मैं बताने के लिए बैठ गया उनकी एज को तो ना ना तो तो वो सुन पाएंगे और ना ही मैं बता पाऊंगा इस इंफॉर्मेशन को कैसे डिलीवर किया जाए तो हो सक, तो हो सकता इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है कि मैं अपने सभी बच्चों की एज का सम करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दूंगा तो एक ऑन एवरेज एक एज आ जाएगी लाइक नाइनटीन ईयर्स तो मुझे मालूम है सारे एक्चुअली में नाइनटीन ईयर्स के नहीं है ये मैं भी जानता हूं लेकिन सब इसके आसपास है क्योंकि एक आइडिया ही तो लेना है ग्रुप का तो एवरेज एज मेरा करेंटीन ईयर आया तो समझ जाएगा इसलिए तो कि को बताना हो तो उसको इजिली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन यूज कर रहे थे लेकिन आज सवाल है कि ज्योमेट्रिक मीन फिर ये किस लिए है बेटा ज्योमेट्रिक मीन का भी यही काम है जो कि अर्थोमेटिक मीन का काम है होता है ना जैसे कि कभी कभी आप जो है आ, चाय पीने के शौकीन है चाय नहीं मिला कोई बात नहीं कॉफी से काम चला लिया मतलब सब्सिट्यूट हो गया पेप्सी मांगा पेप्सी नहीं है तो आपने कोक से काम चला लिया जो सब्सिट्यूट है तो इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन का आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जो काम अर्थमेट्रिक मीन करती है सेम यही काम आपका ज्योमेट्रिक मीन करेगी ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा डेटा है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी अब आप कहोगे सर जब इसके लिए अर्थमेटिक मीन था ही तो ज्योमेट्रिक मीन सीखने की जरूरत क्या है तो बच्चे अर्थमेट्रिक मीन बेसिकली क्या होता है कि वो किसी एक इंडिविजुअल डेटा से पूरा का पूरा अरिथमेटिक मीन इन्फ्लुएंस हो जाता है फॉर एग्जांपल ये कह रहा है ऑन एन एवरेज लोग जो हैं पांच के आसपास है बट आप देखिएगा जरा एक डेटा बहुत छोटा हो गया और एक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो डेटा नियर बाय नहीं है और तो ये डेटा नियर बाय नहीं है अरिथमेटिक मीन वहां सक्सेस है जब लोग लबन नियर बाय है जैसे कि आपके क्लासरूम का अगर मैं एक एवरेज एज निकालता हूं तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सबके सब पांच छह महीने हार्डली एक साल मतलब इसी के नियर बाय ही होंगे सबकी एज आप भी मानते हैं यहां अर्थमेटिक मीन सही है क्योंकि जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला डेटा निकलेगा वो एक्चुअल में ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा लेकिन जब डेटा इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है कि कोई बिल्कुल डाउन है कोई बिल्कुल अप है तो वहां पर देखिए क्या कह रहा है कि सबके सब, सब लगभग पांच के आसपास है लेकिन पांच तो इससे भी दूर है और पांच इससे काफी कम है तो पांच के आसपास तो दोनों में से कोई नहीं निकला तो जब डेटा बहुत ज्यादा वेरी करता है तो वहां पर अर्थमेट्रिक मीन उतने सही तरीके से अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा एक्यूरेसी रखता है अपने पास में कैसे अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी फिलहाल आपको ज्यादा कुछ नहीं अभी अगले टॉपिक आ गया तो वगैरह ड्राइव करके बताऊंगा हर एक बात बताऊंगा पेशेंस रखिए बच्चे हर एक बात ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या है ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास में लाइक ए है और बी है तो आप ये कर सकते हैं ए इंटू बी सबका मल्टीप्लाई दो हैं इसलिए। है इसलिए बेसिक पूरा फॉर्मूला क्या है मैं अभी आपको फॉर्मूला तो ये होता है इसका एन ये होता है का। का। यही रहता है जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई करो और जितने डेटा है पावर वन बाय ज्योमेट्रिक मीन इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो दो गुणा आठ और पावर वन बाई टू हो जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में टू इंटू एट और दिस वन एंड ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो आपका सोलह और उसका रूट क्या हो जाएगा चार तो आप देखिएगा चार थोड़ा सा ज्यादा रिलेबल नंबर हो गया क्योंकि दो के नियरेस्ट आ गया तो इसके लिए जो है लेकिन बेसिकली देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो जो काम आपका अर्थमेटिक मीन कर रहा है जो काम आपका अर्थोमेटिक मीन कर रहा है कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करना ऑन एन एवरेज नंबर है ज्योमेट्रिक मीन भी आपका वही काम कर रहा है तो एक दूसरे का सब्सिट्यूट है क्लियर है बच्चे बात समझे अब ज्योमेट्रिक मीन आपको समझ में अच्छे से आ गया है अब ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं फॉर्मूला देता हूं आपको तो फॉर्मुला आपके पास में पता लग गया क्या है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ये है आपके पास में बात में कर रहा हूं इस समय अभी इंडिविजुअल सीरीज की इंडिविजुअल सीरीज समझ गए तो बाकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस भी समझ जाओगे क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आप बेसिकली तीन टाइप के सीरीज में काम करते हो इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड इस बात को समझ चुके हैं आप लोग ठीक है चैलेंजेस आपको कॉन्टिन्यूस में आते हैं जहां पर लेस देन हो जाता है मोर देन हो जाता है मिड वैल्यू हो जाता है और उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है फॉर एग्जाम्पल उनको एक्सक्लूसिव में कैसे लेकर के आना है ऑलरेडी हमने एक सीरीज के इंट्रोडक्शन में इस बात को कवर करा है

बाई थ्री भी समझ में आता है क्यूब रूट लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर पांच है सात है तो वन बाय सात यह कैसे सॉल्व होगा कैलकुलेटर से मैं उसका मैं उसका आंसर करूंगा आपको सिखाऊंगा ठीक है बच्चे क्लियर है लेकिन फिलहाल आपको इसके डेरिवेशन में एक चीज और समझिएगा एक तो ये फॉर्मुला बिल्कुल सही है दूसरी बात आप ये समझिए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में एक्स वन डेटा वन इं डेटा टू इन डेटा थ्री सो ऑन डेटा एन एन देश टू पावर वन बाय एन ये है आपका ठीक है बच्चे हां जी आप देखिएगा क्या करेंगे आपको पता है कि पावर को नीचे कैसे लेकर के आते हैं पावर को नीचे कैसे लेकर के आते हैं आपको यह बात अच्छे से पता होगा बच्चे कि कोई भी एक संख्या टू पावर थ्री है अगर आप इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉग क्या करता है इस पावर को नीचे उठा करके ले आता है तो थ्री लॉग एक्स हो जाएगा इस बात को समझिएगा क्लियर है तो एक बात ध्यान हाँ रखिएगा कि आपके पास में एक्स की पावर थ्री है और अगर आपने इसके आगे लॉग लगा दिया तो अब वो थ्री पावर नीचे आ जाएगा इस बात को आप समझिए क्लियर है बच्चे क्लियर है तो यहां पर मुझे इस पावर से प्रॉब्लम है तो पावर को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो बट मैं अपनी मर्जी से लॉक कैसे लगा सकता हूं तो कुछ भी लगाना है कुछ भी एड करना है कुछ भी सब करना है कुछ भी डिवाइड करना है आप कुछ भी कर सकते हैं बट कंडीशन यह है कि आपको बोथ साइड करना पड़ता है ये नहीं आप एक साइड कर दे अपनी मर्जी से बोथ साइड करने से इंपैक्ट न्यूट्रल हो जाता है क्लियर है बच्चे तो इसलिए मैं यहां पर लॉक लेकर आऊंगा ताकि पावर नीचे आए तो मुझे फिर बोथ साइड करना पड़ेगा लॉग दिस वन ज्योमेट्रिक में और यहां पर मेरे पास में लॉग में लगाऊंगा तो पावर वन बाय एन और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में लॉग एक्स वन इन एक्स टू इन एक्स थ्री एन एक्स एन इस बात को आप समझते हैं क्लियर है और दूसरी तरफ आप इस बात को भी समझिए कि आपके पास में लॉग ज्योमेट्रिक मीन का आप निकाल रहे हैं और वन बाय एन आपका आ गया आपको ये भी बात पता होनी चाहिए लॉग के बारे में कुछ बातें एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल एक्स इज टू पावर एन है तो लॉग लगा देने से क्या हो जाएगा एन लॉग एक्स हो जाएगा पहली बात दूसरी बात लॉग आपके पास में a इंटू बी है तो क्या होता है ये? ये आपका log a प्लस लॉग बी हो जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है जानकारी दूंगा बस ठीक है log a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा आपका log a प्लस बी तो उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में दिस वन log x1 प्लस लॉग x2 टू प्लस इसी तरीके से लॉग एक्स एन होगा आपका ठीक है बच्चे हाँ जी समझ रहे हैं बच्चे बातों को अब आगे आप देखेंगे कि आपके पास में क्या रहने वाला है लॉग जोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू वन बाय एन और यहां पर क्या रहने वाला है आपका समीशन ऑफ लॉग एन ठीक है लॉग एन तक का आपका समीशन होगा ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लॉग एन तक का समीशन होगा देन उसके बाद आपका क्या होगा ये तो वन बाय टू चलिए इसके अंदर डाल देते हैं ये हो गया एन अब मुझे तो ज्योमेट्री मीन निकालना है ना मुझे मुझे यहां पर लॉग ज्योमेट्री मीन नहीं निकालना है तो कैसे निकलेगा तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ये लॉग यहां जाएगा तो नीचे जाएगा इसको हम बोलते हैं एंटी लॉग जब भी डिनोमिनेटर में लॉग आ जाए तो एंटी लॉग क्या हो गया हमारे पास में लॉग इक्वल्स टू समीशन ऑफ लॉग एन अपॉन एन दिस वन तो एक आपके पास में ये एक फॉर्मूला और आ गया अब दोनों फॉर्मूले से आप दोनों ही तरीका आपका ठीक है दोनों में से कोई सा भी आपका गलत नहीं है क्लियर है बच्चे चलिए अब मैं बात करता हूं सवाल के ऊपर अब क्वेश्चन में आपके लिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं पहले अगर मैं क्वेश्चंस को ले लू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है क्लियर है बच्चे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेता हूं दोनों तरीका बताऊंगा दूसरा तरीका वाला फिर आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है ठीक है दोनों तरीका समझ लीजिए आप फाइंड तो दूसरा फॉर्मूला अगर समझ में आपको आ गया तो वो मेरे साथ से ज्यादा बेटर है ठीक है कि आपको सबसे पहले लॉग की वैल्यू लेनी पड़ेगी फिर भी चलिए देखिए क्या है मेरे पास में डाटा एक डाटा मेरे पास में हाँ जी बच्चे तो डेटा क्या है मेरे पास में जो एक्स है वो मेरे पास में है टू फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर ठीक है बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिक मीन का जो सिंपल मेथड था सभी का मल्टीप्लाई करो into, दिख रहा आ, है है ना बच्चे इसमें ठीक मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी डेटा को मल्टीप्लाई करने बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितना ऑब्जर्वेशन है बताया था मैंने आपको तो ज्योमेट्रिक मीन का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है यहां पर क्या x1 वन इन टू एक्स टू इन एक्स थ्री एन एक्स एन तक का वो क्या फॉर्मूला दिया है आपको टू पावर वन बाय ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग ही ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल रहे हैं यहां पर कि टू मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एट जितने भी डाटा हैं सभी डाटा को आप क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो और डाटा को मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है पावर में आपको डालो तो आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डाल दिया अब आपके लिए चैलेंजेस ठीक है बेस को तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है हम कर लेंगे कैलकुलेटर है हमारे पास में लेकिन पावर कैसे सॉल्व करें चलिए पहले बेस को तो आप करिए फिर पावर में सिखाता हूं वो कैसे करेंगे पावर आप किस तरीके से करेंगे वो बात की बात है पहला बेस को करें क्या टू इंटू फोर इंटू एट इंटू ट्वेल्व इंटू सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फोर तो क्या रिजल्ट आया आपका आपका रिजल्ट आया टू नाइन फोर नाइन वन टू रेस्टू पावर कितना है आपका वन बाय सिक्स क्लियर है बच्चे यहां तक आपको समझ में आया है? मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको फिर आप बताएंगे जरा आपको समझ में आया ही नहीं आया ज्योमेट्रिक मीन रेस टू पावर वन बाय सिक्स खैर यहां पे लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो आप एंटी लॉक आप लेकिन आपको लॉग की वैल्यू आनी चाहिए मैं सिखाऊंगा अभी आपको दो मैसेड निकल जाते हैं बोथ साइड टेकिंग लॉग ये वन बाय सिक्स एंड लॉग की वैल्यू आप निकालोगे चार डिजिट तक आप निकाल सकते हैं खैर फिर भी देखिएगा पावर कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं मैं कैलकुलेटर आप अपना निकाल लीजिए एक बार आप देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पावर जो है कैसे आपने सॉल्व करना है जी देखेंगे देखिए, तो आपको सबसे पहले स्टेप वन क्या करना है आपको स्टेप वन कभी भी सॉल्व करेंगे मैं कह रहा हूं बिना लॉक के कैसे सॉल्व करेंगे आप स्टेप वन आप क्या करें ये आप सबसे पहले रूट को आप कितने टाइम्स करें आप फिक्स है ये आपको ट्वेल्व टाइम्स ही करना है क्लियर है बच्चे इसको ट्वेल्व टाइम्स ही आपने करना है तो जैसे कि आपके पास में रूट करना है किसका टू नाइन फोर नाइन वन टू इसका रूट कितनी बार करना है आपको बारह बार करना है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो बारह बार आपने रूट करा अब बारह बार रूट करने के बाद आपको क्या करना है स्टेप टू स्टेप टू माइनस वन कर माइनस uh, वन करना है इसमें से और उसके बाद आपके पास में इक्वल्स टू का साइन दबा देना है तो इसमें से बस क्या करना है आपको माइनस वन एंड इक्वल्स टू ठीक है स्टेप नंबर थ्री ये बात लिख रहा हूं समझिएगा स्टेप नंबर थ्री आपको डिवाइडेड बाय पावर करना है पावर क्या है सिक्स डिवाइडेड बाय पावर सिक्स एंड इक्वल्स टू तो डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको आपको डिवाइडेड बाय करना है और आपको उसके बाद इक्वल टू का साइन दबा देना है क्लियर है मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू कितनी बार करना है आपको ट्वेल्व टाइम्स कर देना है ट्वेल्व टाइम्स कर देना है तो बस मल्टीप्लाई एंड इक्वल ये एक हुआ दो तीन चार पांच छे सात आठ इस तरीके से आपने करना है इसमें एक 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 मिस्टेक हुई है बच्चे पहले एक सेकेंड स्टेप नंबर फोर में प्लस वन करना है आपने ठीक है और स्टेप नंबर फाइव में क्या करना है आपको स्टेप नंबर फाइव में आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू करना है आपको कितनी बार करना है आपको ट्वेल्व टाइम्स करना है ठीक है बच्चे क्लियर है कोई डाउट है तो पूछिए पहले क्लियर है अब मैं करके दिखाता हूं इसको कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपके पास में टू नाइन फोर नाइन टू नाइन फोर नाइन वन टू ये आपका एक नंबर है ठीक है जी मैं रूट ट्वेल्व टाइम्स करूंगा आपका कैलकुलेटर में रूट का साइन होगा बारह बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है जो रिजल्ट आया इसमें अब आपके पास में वैल्यू में देखिए अपने स्टेप्स को आप फोकस करें देन माइनस वन करूंगा माइनस वन कर दिया अब उसके बाद मुझे क्या करना है डिवाइडेड बाय एन सिक्स अब मुझे क्या करना है उसके बाद प्लस वन अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लाइन इक्वल टू मल्टीप्लाइन इक्वल टू ये एक हो गया ऐसे ही दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो रिजल्ट क्या है मेरे पास में ज्योमेट्रिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट आया मेरे पास में एट पॉइंट वन एट जीरो ये मेरा फाइनल आंसर रहा तो यहाँ से आपको किसी भी तरीके से आपको बच्चे लॉग और एंटी लॉग की नीड नहीं हुई लेकिन एग्जाम है वहां तो आपके नॉलेज को चेक करेगा कि आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया है तो यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको इनवर्स पावर कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने यही सिखा दिया आज ठीक है बच्चे ये कुछ पांच स्टेप से इसको फॉलो कर लीजिए आप पावर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन फिर भी चलिए एग्जाम्स हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका कैसे मूव हो जाएगा मैं उसकी बात करता हूं जरा इस बात को आप समझें कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या करना पड़ सकता है कि जैसे आपके पास में क्या आया ज्योमेट्रिक मीन आया ना ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू तो टू नाइन फोर नाइन वन टू रेज टू पावर वन बाय सिक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा टेकिंग बोथ साइड लॉग लॉग ज्योमेट्रिक मीन वही कहानी आ जाएगी आपके पास में ठीक है बच्चे तो इसलिए आपके पास में जो एक तरीका है उस तरीके को बता रहा हूं सेम क्वेश्चन आपको कैसे करना है लेकिन आपको पहले लॉग की वैल्यू लेनी सीखनी पड़ेगी पहले बच्चे आप लॉग की वैल्यू लेनी सीख, सीख लीजिए जैसे आपके पास में ना फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 2 3 4 ये आपके पास में है क्या आपके पास में log 1 2 3 4 इसको बेसिकली है ना आप लॉग की वैल्यू कभी भी निकालो तो सबसे पहले आपके पास में एक ग्रुप ये रहता है इसको हम बोलते हैं मेन कॉलम क्या है ये मेन ये कॉलम है ट्वेल्व बच्चे और इसको हम बोलते हैं मीन एक ये है, पहले दो को दो के बाद इसको हम बोलते हैं मीन क्लियर है बच्चे और उसके बाद हम इसको मीन या फिर इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं ठीक है मेन कॉलम और इसको फिर डिफरेंस uh, और हम जो लास्ट में हमारे पास में बचा क्या लास्ट हमारे पास में बचा ये तो पहले दो डिजिट को ले लेंगे अगर आप तो वो आपका मेन कॉलम है बीच वाला डिफरेंस और इसको हम क्या बोलते हैं मेन डिफरेंस क्लियर है बच्चे तो ध्यान रखेंगे बस इस बात का आप कि आपका ये क्या हो गया मेन कॉलम हो गया ये क्या हो गया ये डिफरेंस हो गया और ये क्या हो गया आपका ये आपका मेन डिफरेंस है ऑलरेडी खैर मैंने इसके बारे में पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है बट कोई बात नहीं जिनको नहीं आता जो नए बच्चे हैं वो भी सीख लेंगे तो क्या हो गया हमारे पास है मेन डिफरेंस अब आपको देखना कैसे है इसको ये मेन कॉलम को आपको जो है कुछ ये ट्वेल्व है ना तो ऐसे देखना है आपको ये प्रॉब्लम होगी काफी आगे पीछे कर दिया ट्वेल्व तो ये आपके लॉक टेबल है तो लॉक टेबल आपको मिलेगा एग्जाम में इसकी हेल्प आप लेंगे तो यहां पर आपके पास में जैसे ट्वेल्व है मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूं जो चीज सिखा रहा हूं बस उसी को दिखाऊंगा अभी मैं आपको ठीक है हम्म तो क्या है मेरे पास में बाकी चीज देखिएगा आप मैं बस इसमें एक चीज दिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए मैं आपको वैल्यू किसकी निकालना सिखा रहा हूं आपको लॉग वन टू थ्री फोर ठीक है बच्चे क्लियर है किसकी वैल्यू लॉग वन टू थ्री फोर तो सबसे पहले आपके पास है मेन कॉलम क्या है ट्वेल्व है तो मेन कॉलम ट्वेल्व कैसे देखना है आपने मेन कॉलम आपको ऐसे देखना है ये आपके पास में देखते हैं है, है? और ट्वेल्व है। है। मतलब कॉलम मतलब के अंदर एंट्री मारनी है तो आपको थ्री स्टेप आना है यहाँ पे तीन पर आना है तो इसी पे रहना है अब आपने तो यहां पर आपके पास में तीन पर आपने एंट्री मारा आप यहां पर आ चुके हैं क्लियर है बच्चे बात समझे तो आपके पास में क्या आ चुका है अभी तक आपके पास में आ चुका है यहाँ पर जीरो uh, एट ये सारे पॉइंट में होते हैं जीरो एट डबल नाइन क्या आ गया आपके पास अभी तक जीरो एट डबल नाइन क्लियर है थ्री भी हो गया अब आपको क्या फोर में जाना है तो फोर मतलब की मेन डिफरेंस मेन डिफरेंस कहां से होता है यहां से होता है जो वन टू थ्री फोर फाइव है तो फोर्थ पे जाना है तो इसी में रहना है आपने इसी में रहना है आपको फोर्थ पे जाना है ये है फोर्थ पे दिस वन ठीक है फोर्थ पे क्या है आपका फोर्थ पे दिस मंथ फोर्टीन तो आपके पास से जब मेन डिफरेंस होता तो आपको उसमें फोर्टीन क्या कर लेना है आपने एड कर लेना है तो बस आपका रिजल्ट क्या बना आपका रिजल्ट बच्चे बना नो चार तेरह एक और दस और ग्यारह और एक और ये नौ और ये जीरो तो क्या बना आपके पास में जीरो नाइन वन थ्री ये आपके पास से रिजल्ट बना क्लियर है बच्चे अब यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास में कितने डिजिट थे टोटल एक दो तीन चार कितने डिजिट्स थे आपके पास में टोटल फोर डिजिट था था ना तो उसमें से आप माइनस कर दो तो चार डिजिट था तो उसमें से आप क्या करो वन माइनस कर दो बस लास्ट स्टेप है ये ये तो तो क्या बचेगा आपका तो आपके पास में फाइनल आपका इसकी वैल्यू है जितने डिजिट पे काम कर रहे हो उसमें से आप वन माइनस कर दो बात समझे या नहीं समझे क्लियर है बच्चे कोई डाउट पहले एक बार देख लो क्या करा है मैंने लॉग कैसे निकालते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं मैं दोनों चीज सिखाऊंगा आपको डन तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके हमारे पास में है ये समझ में आ गया आपको क्लियर है किस तरीके से हमने करा मैंने उसमें तो करके दिखा दिया आपको दूसरी बात है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर क्या है डेसिमल में लॉग लॉग ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर ठीक है बच्चे तो यहां पर आप देखेंगे लॉक टेबल तो वही बारह पे तीन जाना है पहले तो बारह पे तीन जाओगे तो जीरो आठ डबल नाइन जीरो आठ डबल नाइन आपका आ जाएगा जीरो आठ डबल नाइन तो क्या आएगा आपके पास में जीरो एट डबल नाइन और आपका फोर पे क्या है फोर्टीन तो फोर पे क्या है आपका फोर्टीन हमने अभी निकाला था ना तो उसको हमें ऐड कर देना है जो मेन कॉलम है सॉल्व वैसे ही पॉइंट को अवॉइड करो पूरी तरीके से आप कुछ मतलब नहीं पॉइंट का वैसे ही करो नौ चार तेरह एक दस और एक ग्यारह और एक नौ और जीरो हाँ जी पॉइंट से पहले कितने डिजिट थे पॉइंट के पीछे पहले दो डिजिट थे उसमें से एक माइनस कर दो आप तो क्या बचेगा आपका दो डिजिट थे अभी एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका एक तो ये दिस वाँगे. ये आपके पास में आंसर आ गया बात समझिए बच्चे क्लियर है पॉइंट का कोई भी लेना देना आपका नहीं है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस तो सिमिलर आप करोगे लॉग वन पॉइंट टू थ्री फोर पॉइंट को अवॉइड करो आप पहले सिंपली लॉग वन टू थ्री फोर की आप अपनी वैल्यू निकालो तो आप वैल्यू निकालेंगे तो पहले ट्वेल्थ पे थ्री तो ट्वेल्थ पे थ्री आपका जीरो एट डबल नाइन जीरो 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 एट एट जीरो एट एट डबल जीरो एट डबल जीरो एट डबल नाइन 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 और उसके बाद आपके पास है फोर पे आपका है फोर्टीन सिमिलर वही करना है अपने पॉइंट को अवॉइड करो तेरह दस और ग्यारह तेरह और एक नौ और एक दस और एक ग्यारह और एक आपका नौ और आपके पास में क्या हुआ जीरो ठीक है कितने पॉइंट है इस डिजिट से पहले तो ये एक पॉइंट है तो इसमें से आप क्या करो एक माइनस कर दो कितने कितने डिजिट से से पॉइंट पहले एक डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दो जीरो ठीक है तो अब यहां पर आपके पास में क्या जाएगा जीरो पॉइंट दस तो ये आपके पास में ये आपका आंसर है तो लॉग की वैल्यू निकालनी पहले आपको आगे क्लियर है आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले कि बच्चे लॉग वन की वैल्यू कैसे निकालोगे ठीक है ये तो आपको दिख रहा है अच्छे से मैं यहां पर एक स्पेस लेना चाहता हूं वो कैसे लू क्योंकि अगर ये छोटा करा तो फिर आपको दिखेगा नहीं चलो कोई बात नहीं इतना तो कर ही सकते हैं ठीक है बच्चे यहां पर अब कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि मैं आपका लॉग वन निकालना चाहता हूं अब आप बोलोगे सर लॉग वन कैसे आएगा देखिए कैसे आएगा क्या आप ले सकते हो लॉग वन को कम से कम तीन डिजिट चाहिए और मैक्सिमम आप चार डिजिट का निकाल सकते हैं तो चार डिजिट वाला तो सिखा दिया ठीक है लेकिन तीन डिजिट तो चाहिए चाहिए बट यहां पर एक ही डिजिट है तो अब क्या होगा

ठीक है बच्चे दस पे जीरो जीरो और उसके बाद कितने का पॉइंट है आपके पास में एडिज का पॉइंट है तो एक माइनस करोगे तो जीरो पॉइंट है इस पर तो लॉक टेन की वैल्यू क्या है जीरो लॉक टू की वैल्यू ये सज में है आपको आए नहीं आए बताइए जरा क्लियर है कोई डाउट अब लॉक टू की अगर आप बच्चे वैल्यू निकालते हैं तो लॉक टू को आप क्लियर है लॉक टू की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप तो तीन डिजिट तो भैया कम से कम चाहिए तो क्या करोगे टू पॉइंट जीरो जीरो तीन डिजिट बना दिया अब बीस पे जीरो देख लो आप तो बीस पे जीरो क्या आपके पास में आया अगर आप बीस पे जीरो देखते हैं तो दिस वन तीस दस पॉइंट तीस दस और कितने डिजिट है पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो उसमें से एक माइनस करना होता है आपने जीरो दिस क्लियर है बच्चे निकाल सकते हैं आप वैल्यू इसी तरीके से लॉग ट्वेंटी वन की वैल्यू निकालोगे लेकिन तीन डिजिट मिनिमम चाहिए हमें तो क्या लिखूंगा मैं इसको लॉग ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो तीन डिजिट के लिए अब मुझे इक्कीस पे जीरो देखना है इक्कीस पे जीरो क्या आएगा मेरे पास में इक्कीस पे जीरो आएगा मेरे पास में जीरो पॉइंट थ्री टू 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 इक्कीस पे जीरो बत्तीस तो दो बार दो ये इक्कीस पे जीरो इक्कीस पे जीरो, पे जीरो आ गया कितने डिजिट है पॉइंट से पहले दो डिजिट है तो इसमें से मैं एक माइनस करूंगा न, दो डिजिट है तो एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा एक तो अब क्या जाएगा यहाँ पर वन पॉइंट थ्री टू 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 ये मेरे पास में लॉक ट्वेंटी वन की वैल्यू है तो अब आपको मैंने सिंगल डिजिट में लॉक की वैल्यू दो डिजिट में लॉक की वैल्यू और चार डिजिट में लॉक की वैल्यू तीन डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्लियर है बच्चे तो समझ में आपको आ गया किस तरीके से आप लॉक की वैल्यू निकालते हैं ये क्लियर है तो आज की क्लास में आपका ये क्लियर है नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको सिखाऊंगा एंटी लॉक वैल्यू और आपके जो नेक्स्ट क्लासेस में भी पॉसिबल है कि आपका कल हो, हो जाए और किसी भी टाइम क्लास लेकर के और मैं कल इस चीज को फिनिश कर दूंगा ज्योमेट्रिक मीन में को बस एक बार आपको वैल्यू आ जाए ज्योमेट्री मीन में दस मिनट का भी टॉपिक नहीं है बस एक बार लॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लो इस क्लासेस को देखना रिविजन करना और कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछना